MWC 2018 में नोकिया लॉन्च कर सकती है ये स्मार्टफोन। नोकिया 1, नोकिया 7 प्लस आज लॉन्च हो सकते हैं। नोकिया 6 2018 का आज ग्लोबल डेब्यू हो सकता है। नोकिया 3310 4G स्मार्टफोन से भी आज पर्दा उठने की चर्चा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरुष, आप देख रहे हैं साइबर गुरु। आज के इस वीडियो में आपको MWC 2018 में नोकिया के कुछ स्मार्टफोन लॉन्च होने के बारे में बताने जा रहा हूं। तो मैं अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना 5 से 6 टेक वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूं। MWC 2018 यानी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 का मंच सजकर तैयार है। नोकिया ब्रांड के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी HMD ग्लोबल रविवार रात 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने जा रही है। इवेंट में नोकिया 1, नोकिया 7 प्लस लॉन्च हो सकते हैं। इसके साथ ही चीन में लॉन्च हो चुके नोकिया 6 2018 का आज ग्लोबल डेब्यू हो सकता है। चर्चा यह भी है कि कंपनी आज नोकिया 3310 4G स्मार्टफोन से भी पर्दा उठा सकती है। इसे भी कंपनी ने पिछले महीने चीनी बाजार में उतारा था। HMD ग्लोबल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपडेट विस्तार से जानने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथ ही आप नोकिया के फेसबुक पेज और आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इवेंट को लाइव देख सकते हैं। MWC 2018 में दस्तक देंगे ये हैंडसेट। एंड्रॉयड गो एडिशन का नोकिया 1 भी लॉन्च हो सकता है। यह बजट स्मार्टफोन है जिसकी तस्वीर हाल में ही कई बार लीक हो चुकी है। अफवाह है कि फ़ोन में HD डिस्प्ले होगा, 1GB रैम होंगे, 8GB का इनबिल्ट स्टोरेज होगा। हाल में ही जाने माने टिप्सर इवान ब्लास ने भी इस फ़ोन की तस्वीर लीक की थी। अगला फ़ोन नोकिया 7 प्लस हो सकता है, जिसमें 6 इंच का 18:9 वाली फुल HD प्लस डिस्प्ले हो सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें 12 और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप होगा। फ़ोन में 4GB रैम दिए जा सकते हैं, साथ ही 64GB इंटरनल स्टोरेज होने की आशंका है। नोकिया 1 की तरह नोकिया 7 प्लस के भी एंड्रॉयड 1 स्मार्टफोन होने की अफवाह है। इसके अलावा चीन में लॉन्च हो चुकी नोकिया 6 2018 और नोकिया 3310 4G से भी पर्दा उठ सकती है। कंपनी ने अपने नोकिया 6 में फिंगरप्रिंट के प्लेसमेंट में बदलाव कर इसे बैक पैनल पर दिया है। इसके अलावा कंपनी ने इसमें कैपेसिटी कीज हटाए गए हैं, लेकिन 18:9 वाली स्क्रीन जो है इसकी बॉडी मेटल की है और 6000 सीरीज की अल्मीनियम में से निर्मित है। नोकिया 6 2018 की बात करें तो यह हैंडसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर पर चलता है। जुगलबंदी के लिए इसमें 4GB LPDDR4 रैम दिए गए हैं। कंपनी ने इसे 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया है, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। यह नोकिया डुअल साइड तकनीकी को सपोर्ट करता है, जिसकी मदद से यूज़र दोनों कैमरे का इस्तेमाल कर बोथ ही ले सकते हैं। अब बात करें तो करते हैं नोकिया 3310 4G की। मौजूदा हैंडसेट UNOS पर चलता है। इसमें 2.4 इंच का QVGA कलर डिस्प्ले दिया गया है। 256 MB के रैम के लिए रैम दिए गए हैं। इंटरनल स्टोरेज 512 MB का है, साथ ही 64GB का माइक्रोSD कार्ड इस्तेमाल कर स्टोरेज बढ़ाया जा सकता है। फ़ोन में 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, LED फ्लैश के साथ आता है। फ़ोन का पावर देने के लिए 1200 mAh का बैटरी मौजूद है। यह हैंडसेट में 4G VoLTE फीचर जोड़ा जाएगा।